हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया था, डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे। तो आज हम लोग क्वोशेंट रूल पढ़ते हैं कि अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का दिया हो तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, जी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स अपॉन जी एक्स का होल स्क्वायर। ये याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे याद करो, डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और इससे लीजिए तरीका सीखो, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, नीचे वाला डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला डिफरेंशिएशन ऑफ नीचे वाला अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। अब याद हो जाएगा। चल तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक फंक्शन दे दिया कि y इज इक्वल टू sin x अपॉन cos x, इसका डिफरेंशिएशन आप कीजिए। अब कहोगे भैया sin x अपॉन cos x tan x होता है, अब tan x का डिफरेंशिएशन हमें पता है sec स्क्वायर x होता है, तो अब sec स्क्वायर x तो हमें पता है, ठीक है चलिए उसका हो गया। लेकिन अब हम यहां पे क्वोशेंट रूल के थ्रू इसको करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि वहीं रिजल्ट आता है कि नहीं आता। चलिए हम तो यहां पे dy by dx is equal to d by dx of sin x upon cos x। चलिए मैंने क्या बताया, नीचे वाला पहले लिखिए d dx of sin x माइनस ऊपर वाला sin x d dx of cos x अपॉन cos x का होल स्क्वायर। चलिए sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस sin x, और ये cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। और ये आइडेंटिटी होती है हमारी, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है 1 होता है, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। आ गया हमारी रिजल्ट, तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएशन हमारा सही। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, नोट डाउन करते चलिएगा बेटा, नोट्स प्रॉपर बनाते रहिएगा, क्योंकि नोट्स रहेगा तो आपको आगे फ्यूचर में पढ़ने के लिए आपको आसानी रहेगी। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। देखिएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, देखिए अब डायरेक्ट करते हैं, LnX का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x माइनस LnX, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 अपॉन x का स्क्वायर। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस LnX अपॉन x स्क्वायर, देखिए कितना इजी है। ठीक है एक और क्वेश्चन किया जाए, चलिए एक और कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है d by dx of कहता है sin x plus cos x upon x square, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x का sin x, ठीक, फिर माइनस, चलिए sin x प्लस cos x इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है चलिए अब इसको ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर cos x, चलिए इसमें से क्या करते हैं x कॉमन लेके कट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा
एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यू, ये इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हम चेन रूल फॉर डिफरेंशिएशन। अब चेन रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का? तो जैसे क्या होता है, अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा, एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन, कोसेंट रूल पढ़ा, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन। अब चेन रूल क्या होता है कि मतलब फंक्शन का फंक्शन, जैसे एफ ऑफ जी एक्स, इस जी एक्स का फंक्शन कौन सा है? एक्स है। ये भी एक्स का फंक्शन है, ये भी एक्स का फंक्शन है। ठीक है, अब ऐसा डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले याद रखिएगा कि सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे अंदर वाले का। समझ नहीं है फॉर्मूला, बस फॉर्मेलिटी के लिए याद रख लीजिए, अब हम बताते हैं कैसे। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे इसको पहले एक तरीके से लिख लिया जाए, इसको ऐसे इसको लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखिए पहले कौन फंक्शन है? साइन, अंदर कौन फंक्शन है? एक्स स्क्वायर। इसका मतलब अब इसका dy by dx अगर आपको निकालना है, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाहर का साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। तो ये हो गया कॉस, अंदर वाला एज इट इज लिख दीजिए, ये हो गया बाहर का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर क्या है? x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, 2x आंसर आ गया, एक लाइन में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, dy by dx। अब यहां बाहर कौन सा फंक्शन है? साइन, तो पूरा साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे? अब अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, अंदर वाले का क्या क्या है? एक्स क्यू, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3x स्क्वायर, और e के पावर x का, e के पावर x, हो गया आंसर, एक लाइन में आंसर आएगा। समझे, समझ गए? अब देखिए इस क्वेश्चन को पहले इसको अच्छे से लिख लीजिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब यहां कहोगे कि भैया यहां पे कौन सा बाहर कौन सा अंदर है? अब देखो ये स्क्वायर लगा हुआ है इस फंक्शन के ऊपर, तो इसका मतलब बाहर कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर का फंक्शन है। इसको मान लो कि कोई फंक्शन x का x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x 2x, तो इसका dy / dx क्या हो जाएगा? 2 sin x। ठीक, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। अब टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है? साइन टू एक्स, ये इसका आंसर आ गया। समझ गए? तो तीन चार क्वेश्चन घर के लिए लिख लीजिए, आपको प्रैक्टिस करनी है। पहला क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल की पावर 5। दूसरा क्वेश्चन, वाई इज इक्वल टू रूट ओवर cos x। ठीक, तीसरा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ln sin x। चौथा क्वेश्चन, y इज इक्वल टू ln cos x। पांचवा, y इज इक्वल टू ln x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, छठवा, y इज इक्वल टू साइन ln x। सातवा, y इज इक्वल टू e के पावर साइन x। आठवा, y इज इक्वल टू साइन e के पावर x। ठीक है, ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको आपको खुद से लगाना है।
लगाइएगा। अगर कोई भी डिफिकल्टी होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जो भी डिफिकल्टी रहेगी मैं उसको सॉर्ट आउट करूंगा, अगले क्लास में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रॉपर इसको कॉपी करते रहा कीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एफेक्ट्स विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल अदर देन एक्स, अगर एक्स की जगह कोई दूसरा वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लिया कि एक फंक्शन एफेक्ट्स है, एक्स का फंक्शन है, इसको हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इस फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, इनटू डीएक्स बाय डीटी कर दीजिए, मींस डी बाय डीएक्स एफएक्स इनटू डीएक्स बाय डीटी, ठीक है। बस ये अब देखो क्वेश्चन से कैसे करते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। ये कह रहा है डी बाय डीटी ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है हमको, ठीक है। सॉल्यूशन हमने कहा डी बाय डीएक्स कर दीजिए एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स बाई डीटी। अब आप यहां देखो डीएक्स कट जाएगा, डी बाई डीटी मिलेगा, सेम चीज मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, डी बाई डीएक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टू एक्स। हो गया डिफरेंशिएशन, बस यही आंसर। इसका देख लीजिए अब यहां भी क्या हो जाएगा, डी बाई डीएक्स ऑफ साइन एक्स इंटू dx by dt, sin x का डिफरेंशिएशन cos x into dx by dt, ठीक है। चलिए अब यहां देखिए क्या है, एक फंक्शन दिया हुआ है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब कहता है इसको डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखिएगा da by dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d by dt of l into b, ठीक। अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या करेंगे, l db by dt plus b dl by dt, हो गया आंसर, समझ गए। चलिए एक दो बढ़िया क्वेश्चन और करते हैं, नो डाउट कर लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस इज 2 मीटर पर सेकेंड, रेडियस में जो चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड है, मींस देखिए क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या क्या गिवन होता है वो लिखते जा दीजिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, रेडियस का रेट ऑफ चेंज तो डी आर बाई किसके रिस्पेक्ट में, नीचे क्या है सेकेंड मतलब टाइम, क्या दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। पहले लेने का मतलब ये, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो अब हमें क्या पूछ रहा है dv by dt, कब, व्हेन रेडियस इज 3 मीटर, व्हेन r इज इक्वल टू 3 मीटर है तो ये पूछ रहा है कितना होगा। अब देखिए v इज इक्वल टू हम जानते हैं स्फीयर का रेडियस, वॉल्यूम क्या होता है 4 by 3 pi r क्यूब। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं dv by dt, ये क्या हो जाएगा 4 by 3 pi into r cube का 3r square into t के एक्सप्रेस करना है dr by dt, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं dv by dt when r is equal to 3, अब देखिए r की जगह 3 रख दीजिए और dr by dt की जगह 2 रख दीजिए, तो 33 है 9, 3 है 27, 33 कट गया, 2 जा 4, 4 3 सॉरी इसकी जगह 2 आएगा, 33 है 9, 9 2 जा 18, 18 4 जा 76 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 72, ठीक है। ये हमारा क्या गया वॉल्यूम में चेंज, कब, व्हेन आर इक्वल टू 3 मीटर, समझ आ गया। अब यदि अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कहता है इफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल आर 2 एंड 3 मीटर, इसका मतलब क्या दिया गया है,
l is equal to 2 and v is equal to 3 meter. जो दिया होता है, given होता है, पहले उसको लिख देते हैं. And both are increase at rate 1 meter per second. तो db by dt is equal to dl by dt is equal to 1 meter per second. कहता है, find the rate of increase of area. Area क्या होता है? A is equal to l into b. तो यहाँ पे da by dt निकाल लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? L db by dt plus b dl by dt. ये क्या है, वैल्यू रख दीजिए, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो हो गया 3 टू 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये हमारा आंसर आ गया. और ये सब पॉजिटिव में है, इसका मतलब एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा. 5 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से वो बढ़ रहा होगा. ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते. चलिए हम बात करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ एन इम्प्लिसिट फंक्शन. अब ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है बेटा? ये ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम लोग एक्स और वाई को अलग अलग ना कर पाए. मतलब जैसे अभी हम लोग क्या पढ़ते थे, वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, तो डीवाई बाई डीएक्स निकालते थे, उधर एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लेते थे. लेकिन अब ऐसा फंक्शन मिलेगा जिसमें हम लोग वाई एक्स और वाई को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं कर सकते. जैसे एक फंक्शन ये दिया हुआ है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. अब इसमें हम चाहें कि y को एक तरफ कर ले, x को एक तरफ कर ले, तो पॉसिबल ही नहीं है. तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन. ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे होगा. देखिए अब हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं. ये फंक्शन यहां पे दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा. तो देखिए फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो डीवाई बाई डी एक्स प्लस y डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो x का डिफरेंशिएशन 1 LHS का हो गया. ठीक है, अब RHS में चलते हैं, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस y स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा. फिर y क्योंकि x का फंक्शन नहीं है इसलिए dy/dx. ठीक, अब dy/dx को सबको एक तरफ कर लो, तो इसको इधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, या उसको उधर ले जाओ, तो हो जाएगा dy/dx माइनस एक्स इक्वल टू वाई माइनस टू एक्स. तो डीवाई बाई डी एक्स वाई माइनस टू एक्स अपॉन टू वाई माइनस एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब इसका एक फंक्शन और देख लेते हैं. अब यहां भी फंक्शन क्या है, अब यहां देखिए प्रोडक्ट में है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हम लोग यहां भी वही प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं. तो पहले एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y और y का dy by dx प्लस अब वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन. एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, इधर का LHS का हो गया. अब RHS में आते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस साइन वाई का cos y इंटू डीवाई बाई डी एक्स. इसको उधर कर देते हैं, ये हो जाएगा dy by dx कॉमन लिया हमने, cos y माइनस 2x स्क्वायर y इज इक्वल टू 2xy स्क्वायर माइनस कॉस एक्स. यहां से डी वाई बाई डी एक्स हमको मिल गया 2xy² माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस वाई माइनस 2x²y, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं. ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो डबल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि जैसे किसी फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया, फिर उसका एक बार और डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएशन. d by dx of d by dx of fx, इसको लिखेंगे d2 by dx2 of fx, मतलब fx का दो बार डिफरेंशिएशन किया गया. इसको हम लोग पढ़ते हैं d2y by dx2.
अब देखिए इसको समझते हैं कि जैसे यहां फंक्शन दिया हुआ इक्वल टू साइन एक्स, तो पहले क्या करते हैं डीवाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब फिर से इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, और ये क्या होता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे y is equal to ln x है तो dy by dx ln x का डिफरेंशिएशन 1 upon x, d2y upon dx2 is equal to d by dx of x to the power minus 1, तो ये क्या हो जाएगा minus 1 x to the power minus 2, तो ये आ जाएगा minus 1 upon समझ गए। अब हम इसका कुछ ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं कि डबल डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो अब उसको हम लोग देखते हैं क्या होता है मतलब उसका। चलिए अब बात करते हैं डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता क्या है। जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, अब हमने क्या किया एक कर्व लिया, एक स्ट्रेट लाइन हमने लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं देखिए डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, अगर हमने एक्स में चेंज किया तो उसके रिस्पेक्ट में वाई में क्या चेंज आया, यही डेरिवेटिव का मतलब होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया डेल्टा वाई मतलब वाई में चेंज, कितना चेंज हुआ वाई टू माइनस वाई वन विथ रिस्पेक्ट टू x2 minus x1, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है अगर यहां देखा जाए तो ये आपका x2 minus x1 ये y2 minus y1, तो ये tan theta के बराबर आएगा, इसी को हम लोग बोल देते हैं m slope। तो डेल्टा y / d डेल्टा x इसी को हम लोग क्या लिखते हैं dy / dx, जब चेंज बहुत मिनिमम हो, जब ये चेंज बहुत छोटा हो dy बहुत छोटा हो तो इसको dy / dx लिखते हैं, नहीं तो डेल्टा y / डेल्टा x होता है। ठीक है, ये तो कब हुआ जब हमने एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया था, तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ लिया तो इसका देखा कि इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज में इक्वल अमाउंट ऑफ इसके रिगार्डिंग इसमें इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, रिस्पेक्ट में इतना चेंज हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसी को क्या बोलते हैं tan थीटा, इसी को बोलते हैं स्लोप। मतलब अब स्लोप के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि कोई भी ग्राफ कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा कि डिक्रीजिंग होगा, और उसके डेरिवेटिव को देख के अगर डेरिवेटिव कैसा है उसका उस पॉइंट पे पॉजिटिव है डेरिवेटिव इसका मतलब वो इंक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव है इसका मतलब वो डिक्रीजिंग कर्व है। ठीक है, अब हम अगर हम ये तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, अब हम मान लीजिए कोई कर्व लेते हैं तो उस पर बात करते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कि अगर हमने कोई कर्व लिया है, जैसे मान लिया हमने एक कर्व लिया, ठीक है, अब हमने क्या किया इसके एक्स में बहुत थोड़ा सा चेंज किया, ठीक है, तो इसके वाई में भी चेंज होगा, ये हमने क्या चेंज किया बहुत छोटा चेंज किया, इसलिए ये डीएक्स हो गया, बहुत छोटा चेंज किया तो डीएक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में इसमें चेंज वाई में कितना आएगा डी वाई। अब हमने क्या किया कि इसको हमने
लेंस से देखा, बड़ा करके देखा, तो बड़ा करके देखा तो ये दिखेगा कैसा, ये देखिए दिखेगा ऐसा, ये हमारा dy हो गया, ये ds हो गया, और ये एंगल क्या हो गया थीटा, ठीक है। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy बाय ds, और यही क्या है m, स्लोप है, ठीक है। अब यहां से क्या समझ आता है, if dy बाय ds इज पॉजिटिव, अगर dy बाय dx हमने हमारा पॉजिटिव आया है, देन y विल बी इंक्रीजिंग, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग x, मीन्स अगर dy by dx पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि y हमारा क्या होगा, इंक्रीज करेगा जब x हम बढ़ाएंगे, मतलब x बढ़ाने पे y इंक्रीज करेगा अगर dy by dx पॉजिटिव आया है तो। इसका मतलब क्या है, ग्राफ विल मूव अपवर्ड, इसका मतलब है ग्राफ कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इफ dy by dx इज नेगेटिव, देन y will decrease on increasing x, x बढ़ाने पे y क्या होगा, decrease करेगा। इसका मतलब है graph will move downward, इसका मतलब है graph कहां जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, नीचे की तरफ ग्राफ मेरा जाएगा, ठीक है, समझ में आया, नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं फिर। अब देखिए बात करते हैं, जैसे मान लिया हम क्या क्या ग्राफ कैसे इस लोग का हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लिया ये m क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, मान लिया ये प्लस वन, तो प्लस वन है, इसका मतलब इसका स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब ये क्या है, अपवर्ड है, ये स्लोप माइनस वन है, इसलिए डाउनवर्ड है, ठीक है। हमने और बढ़ा दिया इसका स्लोप, प्लस टेन कर दिया तो और सीधा जाएगा, इसका और निगेटिव बढ़ा दिया तो और सीधा जाएगा, इसका और बढ़ा दिया हमने प्लस 100, इसका भी बढ़ा दिया m इक्वल टू माइनस 100, तो इसका मतलब है जैसे से स्लोप मेरा बढ़ता जाएगा ऐसे से ये क्या होगा, इसका जो अपवर्ड जाने का टेंडेंसी है वो भी बढ़ती चली जाएगी, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये तो बात हो गई स्ट्रेट लाइन की, ठीक है, हुज स्लोप इज कॉन्स्टेंट जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है दे आर स्ट्रेट लाइन, तो वो क्या होते हैं स्ट्रेट लाइन होते हैं, जिनका स्लोप कांस्टेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन हमेशा बनाते हैं, ठीक है। अब हम कर्व की बात कर लेते हैं, अब जैसे देख लिया, जैसे मान लिया एक हमने कर्व लिया, ठीक है, एक हमने कर्व लिया, अब देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पे m क्या होगा, जीरो होगा, ये क्या है, कोई कहीं ना इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, तो ये m इक्वल टू जीरो, ये स्लोप जीरो हो गया। अब जैसे जैसे हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं, यहां एंगल कुछ पढ़ा और यहां एंगल ज्यादा हो गया, ठीक है, इसका मतलब है यहां m
पॉजिटिव है, यहां उसका स्लोप और बढ़ गया और पॉजिटिव हो गया, ठीक है। वैसे ही जब हम यहां बात करते हैं तो यहां स्लोप कम था, निगेटिव में था, यहां स्लोप ज्यादा था, इसका मतलब यहां पे क्या था, m माइनस में था, छोटा था, और यहां m बड़ा हो गया माइनस में, इसका स्लोप बढ़ गया लेकिन निगेटिव में बढ़ रहा है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, यहां कब डिक्रीज कर रहा है, फिर जीरो हो रहा है, फिर बढ़ना शुरू कर रहा है, समझ आ रहा है। तो अब यहां पे हम लोग डबल डिफरेंशिएशन की बात हम लोग कर रहे थे, तो डबल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे d2y/dx2 का मतलब है d/dx ऑफ dy/dx, तो dy/dx क्या था, स्लोप था, तो dy/dx ऑफ m इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, स्लोप किस रेट से चेंज कर रहा है वही उसका डबल डेरिवेटिव कहलाता है, स्लोप किस रेट से चेंज कर रहा है दैट विल बी कॉल्ड द डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए हम एनालिसिस करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा कुछ ग्राफ्स का, अब इतने टाइप के ग्राफ बन सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ ग्राफ नहीं बनेगा। देखिए पहला ग्राफ क्या है, ये है, अब यहां पे अगर हम बात करें यहां पे जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहां बन रहा है, इसका मतलब इसका m, ये पहली बात तो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब m पॉजिटिव होगा, फिर इसका m क्या होगा कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, ठीक है, डबल डेरिवेटिव, सॉरी डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जीरो, डीवाई बाई डीएक्स कॉन्स्टेंट है, डबल डेरिवेटिव क्या होगा जीरो होगा, ये हो गया। अब ये भी क्या देखिए क्या है, बढ़ रहा है, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वाई बढ़ रहा है, इसका मतलब है एम क्या है पॉजिटिव है। अब यहां पर देखा जाए यहां पे एंगल और यहां पे एंगल, ये थीटा बढ़ रहा है, इसका मतलब स्लोप क्या हो गया यहां पे, स्लोप ग्रेटर देन जीरो, मतलब स्लोप क्या हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, एम इंक्रीजिंग पॉजिटिव इंक्रीजिंग, एम इंक्रीज कर रहा है, तो इसका स्लोप इसमें बढ़ रहा है। अब यहां देखा जाए तो यहां भी क्या हो गया, ये भी क्या कर बढ़ रहा है, अपर डायरेक्शन जा रहा है, इसका भी एम पॉजिटिव, इसका थीटा यहां बड़ा यहां छोटा, ऊपर जाते हुए छोटा हो रहा है, इसका मतलब एम डिक्रीजिंग इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में एम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां थीटा छोटा था और यहां थीटा बड़ा था और धीरे ऊपर जाते हुए थीटा क्या हो रहा है कम होता जा रहा है, इसका मतलब इसका एम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इसमें ये तीनों ग्राफ क्या है अपवर्ड, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे थीटा सब बराबर है, एम निगेटिव है क्योंकि डिक्रीज कर रहा है ग्राफ, और इसका एम क्या है कांस्टेंट, ठीक है। ये कब देखिए, ये कब क्या हो रहा है डिक्रीज कर रहा है, इसका भी m निगेटिव होगा, जब m निगेटिव है तो इसका स्लोप देखिएगा जो थीटा है, यहां थीटा छोटा यहां थीटा बड़ा, इसका मतलब m क्या हो रहा है देखिए यहां थीटा बड़ा होगा, यहां जैसे नीचे जाएगा थीटा कम होता जाएगा, इसका मतलब m डिक्रीजिंग, m डिक्रीज कर रहा है, m डिक्रीज करता जा रहा है। यहां भी क्या है m निगेटिव है, तभी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ग्राफ हमारा, और यहां क्या है यहां पे थीटा जैसे नीचे चलते जाएंगे इसका थीटा बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब m इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में m क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब ये इस टाइप का ग्राफ मिलेगा जिसमें ये क्या होगा इसका जो m है ये क्या है ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, m क्या हो गया जीरो, उसका स्लोप जीरो हो गया,
और यहां m जो आएगा वो क्या आएगा, कांस्टेंट, मतलब m जीरो है और उसका जो जो भी स्लोप है वो कांस्टेंट है, बढ़ना बढ़ रहा है घट रहा है। ये ग्राफ बहुत रेयर मिलेगा आपको, लेकिन ये भी ग्राफ है। अब इसमें क्या हो गया कि ये हम कह सकते हैं कि बढ़ भी रहा है, हम कहें घट भी रहा है। तो ये बढ़ कितना रहा है, जैसे इसका स्लोप जो होगा इसको हम लोग बोल सकते हैं प्लस इनफिनिटी की तरफ भी जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और यहां बोल सकते हैं कि बहुत तेजी से घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दोनों कह सकते हैं इस ग्राफ को देख के, क्योंकि यहां कोई वो तो बना नहीं है, बना नहीं है, इसका मतलब ये इंक्रीज भी बोल सकते हैं और ये डिक्रीज भी बोल सकते हैं। तो ये इतने टाइप के ग्राफ, इससे और भी ग्राफ कोई बनेंगे नहीं। अब हम ग्राफ देख के पता चल जाएगा कि एम कितना है, बढ़ रहा है, घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये हमारा इतना है। तो आज की क्लास में जो भी हमने पढ़ा उसको एक बार रिवाइज आप जरूर करेंगे, इस सबको कॉपी जरूर करते चलिएगा बेटा। और फिर अब हम लोग अगले जब भी मिलेंगे अब हम लोग आगे का टॉपिक कवर करेंगे, और अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है।